हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ढूंढने जा रहे हैं डायमंड। तो क्या हम डायमंड ढूंढ पाएंगे? लेकर चलो शुरू करते हैं वीडियो।
Yeah.
और सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, और आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, किस ब्लॉक पर हैं और किस ब्लॉक पे आपको रिसोर्सेज मिलने के, जो डायमंड वगैरह मिलने के चांसेस रहते हैं, इसका नॉलेज भी आपको ज़्यादा होना चाहिए। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट्स आपके माइनक्राफ्ट गेम में आपको कैसे स्टार्ट करने हैं, आपको स्क्रीन पे कैसे कोऑर्डिनेट्स लाने हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जब जाएंगे आप, तो आपका जो ये गेम का ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक शो कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन दिखेगा। शो कोऑर्डिनेट्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसे ऑन कर लेना है। जैसे आप उसे ऑन करते हैं और वापस गेम में जाते हैं, तो आपको अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गेम के वो दिखने लग जाएंगे। जो आपकी पोजीशन रहती है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से आपको माइनिंग में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जब भी माइनिंग करें तो इन कोऑर्डिनेट्स को ऑन हमेशा कर लें, जिससे आपको माइनिंग में बहुत ईजी रहता है। तो दोस्तों चलिए इनको पहले प्रसाद वो आपको सारा माइन ब्लॉक पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे डायमंड ब्लॉक्स मिल चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना इजी होता है कोऑर्डिनेट्स के थ्रू माइनिंग कर करके डायमंड्स निकालना। तो दोस्तों आस का जो एरिया है वहाँ पे मैं माइनिंग करने वाला हूँ। तो ये जो यहाँ इसी 8वें 9वें और 10वें ब्लॉक पे मैं सारी माइनिंग करने वाला हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्त गौरव, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एचपी। बोल सकते हैं कि यार वीडियो बना है तो यार तो और रेक्टोन के मैं इसको कलेक्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक सिंगल साइड को जो है माइनिंग जो ना वो एक ऐसा मेथड है जिसमें कि यार डायमंड्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
भाई साहब आ गए, लग जाइए। डायमंड मिल गया।
हेलो बासु, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। भाई साहब, आज तो अपन को डायमंड गोल्ड सब मिल गया। क्या बनाऊं भाई? सबसे पहले ये बताओ भाई मेरे को, डायमंड की स्वॉर्ड, डायमंड की स्वॉर्ड बनाऊं या गोल्डन की स्वॉर्ड या आयरन की? आयरन की तो हम बना लेंगे। बता भाई क्या बनाए? पिकेक्स बनाए डायमंड की? हाँ ब्रो भाई, सजेस्ट करो क्या बनाऊं। हेलो बसु भाई, ब्रो सजेस्ट मी। समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। सबसे पहले तो कंपास बना लें, उल्टा वही सेटिंग करके देता हूँ। हेलो बसु भाई, बताओगे क्या बनाए भाई? कमेंट ब्रो। क्या डायमंड की? एक मिनट, डायमंड की स्वॉर्ड भाई, वो आप
पे लिखना यार, ऑफलाइन गया तू? डायमंड की स्क्वाड बन लेते हैं बस भाई। पास हुआ है फिर बढ़िया, तो ले डायमंड पिकेक्स कंपास लेंथ
हेलो पप्पू भाई, थैंक फॉर ऑनलाइन ब्रो, सब्सक्राइब कर दे भाई चैनल। लोकल के 2000 लगेंगे और जो भी जाके बात करो कि बोलते कितने रुपये लगेंगे ऐसे क्या नहीं लगे नहीं लगा काम चलाओ चलाओ क्या कर सकते हैं तो इसके लिए भी जो है ना फोन के लिए लगाने चलती है फोन के लिए लगाने चलती है तो ऊपर लगवाने से क्या मतलब है नहीं। क्या भाई सर्वर कौन सा है? डायमंड पिकैक्स भाई, डायमंड पिकैक्स बना लिया सर्वर भाई, कोई सा ही नहीं है। मैं कर लूँगा आगे बोल जा रहा हूँ मैं, आप वैसे बोल के देख रही पता नहीं पता आप भी पहचान लंबी लंबाई देते हो के मत बोलो मैं ऐसे मतलब था नहीं तो इम्प्रेशन के साथ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा होता है बहुत खतरनाक होता है। डायरेक्ट साथ 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 बात